देखिए कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार रही है, हार के फ्रस्ट्रेशन में बयानबाजी कर रही है, देश के सिस्टम को धमका रही है, कई नेता विपक्ष के लाश गिराने की बात कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जनता ने वोट दिया नहीं और वो जीत जाएं। अभी ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, जब कर्नाटक तेलंगाना हिमाचल में जीत गए थे तब तो ईवीएम बहुत अच्छा था, आज ईवीएम में खराबी नजर आ रही है, प्रशासन में खराबी उनको नजर आ रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जीत रहे हैं मोदी, आ रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। अरविंद केजरीवाल चूंकि अब हिरासत में है, आतिशी कह रही है कि बीजेपी को चैन नहीं मिल रहा है, कोठरी में कूलर तक नहीं है, तापमान बाहर देख रहे हैं। इसी तरह की भाषा आम आदमी पार्टी फ्रस्ट्रेशन में बोल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी पूरी तरह वो एक्सपोज हो गई है, जो सिंपैथी वो चाहती थी वो मिली नहीं, दिल्ली में भी बुरी तरह वो पिछड़ रही है, इसलिए इस तरह का बयान दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को हिरासत में लिया जा रहा है, पप्पू यादव कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, बताएं। अखिलेश यादव हो या पप्पू यादव या लाश गिराने की बात करने वाले उनके कार्यकर्ता कुछ भी कर लें, आएंगे मोदी, जीत रहे हैं मोदी। एक आखिरी सवाल है, एग्जिट पोल दिल्ली में भी सर्वे दिखा रहे हैं कि कन्हैया कुमार जी कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं, वो हारते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कोई खड़ा कर लिया उन्होंने कुछ फर्क नहीं पड़ा, जीत रहे हैं हम। अब की बार 400 के पार जाएंगे। राहुल ने भी बोला 295। अरे वो तो गाना गाया है सिद्धू मूसेवाला का, खुद ही गाना गा के बता दिया, कोई सीरियस नहीं है, उनके आंकड़े पर कौन यकीन कर रहा है।